हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास नाइन्थ के चैप्टर नंबर 5, जो कि हमारे साइंस का चैप्टर नंबर 5 है। इसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। किस तरीके से जो सेल्स होती हैं उसके अंदर क्या क्या पार्ट्स पाए जाते हैं, और जो सेल्स होती हैं उन सेल्स के जो कौन कौन से अंदर ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, राइबोसोम्स हो गए हैं, लाइसोसोम्स हो गए हैं, और भी दूसरे पार्ट्स होते हैं, उनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो देखिए, अपने चैप्टर 5 का नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। द फंडामेंटल यूनिट इसलिए बोला गया है क्योंकि भाई कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसका सबसे स्मॉलेस्ट जो पार्ट होता है, स्मॉलेस्ट जो यूनिट होती है, उसी को क्या बोला जाता है, सेल। तो हम पूरी इस चैप्टर के अंदर सेल्स के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। सबसे पहले देखते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं और किस तरीके से बने हुए होते हैं, इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। एज ए ब्रिक फॉर्म द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ ए बिल्डिंग। जैसे एक ब्रिक होती है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के या किसी भी बिल्डिंग का वॉल का जो स्मॉलिश पार्ट होता है उसको बनाने का काम करती हैं। उसी तरीके से किसी भी बॉडी में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी स्मॉलेस्ट बॉडी का जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है उसको बनाने के जो काम होता है वो सेल के थ्रू होता है। मतलब अपन ये बोल सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर होता है या स्मॉलेस्ट जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, सेल होता है। यानी कि चाहे छोटे छोटा जीव हो, टाइनियस से टाइनियस या लार्जेस्ट से कितना ही बड़ा हो, वो क्या होगा, सेल से मिलकर बना होगा। इन अदर वर्ड्स, द सेल्स इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ए लिविंग बींग्स। जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं उनके स्ट्रक्चरल यूनिट होती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास डिस्कवरी ऑफ द सेल। सेल की डिस्कवरी किस तरीके से हुई थी, किसने की थी, इसके बारे में हम देखते हैं। तो सेल की जो डिस्कवरी थी उसको करने का जो मेन श्रेय है वो हमारे रॉबर्ट हुक को जाता है। रॉबर्ट हुक ने क्या करा था, सेल की डिस्कवरी करी थी, लेकिन इन्होंने सबसे पहले डेड सेल्स की डिस्कवरी करी थी। देखें, लिविंग स्टडिंग एट थिन स्लाइस ऑफ द कॉक अंडर ही सेल्फ मेड प्रिमेटिव माइक्रोस्कोप। मतलब उनके थ्रू जो तैयार किया गया सेल्फ प्रिमेटिव माइक्रोस्कोप था उसके दौरान, मतलब उन्होंने क्या करा था, एक स्लाइस ली थी की कॉर्क की, उसको अंदर अच्छी तरीके से स्टडी करा था। तो उन्होंने क्या चीज़ ऑब्जर्व करी, देखिएगा, स्मॉल कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर। उनको छोटे छोटे से कंपार्टमेंट जैसे स्ट्रक्चर नज़र आए थे, ये इस तरीके के कुछ स्ट्रक्चर्स नज़र आए थे, और जैसे कि अपन को हनी कॉम में देखने को मिलते हैं। यहाँ पे एग्जांपल भी दे रखा है, दिस कंपार्टमेंट शोन द हनी कॉम लाइक पैटर्न। मतलब हनी कॉम का ऐसा पैटर्न नज़र आता है। इन कंपार्टमेंट्स, ये अलग अलग कंपार्टमेंट्स नज़र आ रहे हैं ये वाले, इन कंपार्टमेंट्स को इन्होंने क्या नाम दे दिया, सेल। ही यूज दीज कंपार्टमेंट्स एज अ सेल। अब सेल का मतलब क्या होता है, एक्चुअल में ये क्या है, लैटिन वर्ड है। सेल जो है वो क्या है, लैटिन वर्ड है। सेल का मतलब क्या होता है, लिटिल रूम। मतलब जिस तरीके छोटे छोटे रूम मिलकर के एक पूरी सेल को बनाने का काम करते हैं, या फिर एक छोटे छोटे से रूम होते हैं पूरे घर को बनाने का काम करते हैं, पूरे हाउस को बनाने का काम करते हैं, उस तरीके से सेल्स होती हैं छोटी छोटी मिलकर के पूरी बॉडी को बनाने का काम करती हैं। द वर्ड सेल डिस्क्राइब द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड टिल डेट इन बायोलॉजी। मतलब बायोलॉजी में आज तक भी जो ये वर्ड यूज हो रहा है जो सेल को डिस्क्राइब करने का काम करता है, मतलब कि स्मॉलेस्ट यूनिट को डिस्क्राइब करने का काम करता है। रॉबर्ट हुक वाज द फर्स्ट टू प्रूव दैट लिविंग थिंग्स कंसिस्ट ऑफ द सेपरेट यूनिट्स। रॉबर्ट हुक पहले इंसान थे जिन्होंने बताया था कि भाई जो लिविंग बींग्स होते हैं वो अलग अलग पार्ट से भी मिलकर, अलग अलग छोटे छोटे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स से भी मिलकर बने होते हैं। उन स्मॉलेस्ट पार्टिकल या स्मॉलेस्ट पार्ट को इन्होंने क्या नाम दे दिया, सेल। नेक्स्ट अब अपने पास बात आती है डिस्कवरी रिलेटेड टू द सेल्स। सेल से रिलेटेड दूसरी और भी डिस्कवरी हुई थी, उनके बारे में बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो अपने करी थी रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले क्या करा था, अपना एक्सपेरिमेंट करा था जो सेल प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप के थ्रू, और उसी के थ्रू उन्होंने किसको टर्म को नाम दिया, सेल, जो हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद में अलग साइंटिस्ट आते हैं, एंटोनी वेन ने क्या करा था, लियोमार्क, इन्होंने 1674 में ऑब्जर्व लिविंग सेल, इन्होंने लिविंग सेल को ऑब्जर्व करा इन ए ड्रॉप ऑफ पॉन्ड वाटर विद द हेल्प ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप। इनके पास जो माइक्रोस्कोप था वो क्या था, पहले से इम्प्रूव था, मतलब पहले से पूरी तरीके से अलग था। ही वॉज द फर्स्ट स्टडी द बैक्टीरिया। इन्होंने किस किस की स्टडी करी है, एक तो बैक्टीरिया, स्पर्म, एग सेल्स, यूग्लिना एंड रेड ब्लड सेल्स, RBC जिसको बोला जाता है, उस
को कुछ एनिमल्स के जो ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इनको ऑब्जर्व करा अपने सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप में। और ये माइक्रोस्कोप जो था इनका पहले वाला जो रॉबर्ट हुक का माइक्रोस्कोप था इससे काफ़ी इम्प्रूव्ड था। फिर अपन बात करते हैं रॉबर्ट ब्राउन की। रॉबर्ट ब्राउन कौन है? इन्होंने ये भी एक साइंटिस्ट हैं जो 1831 में क्या करते हैं, न्यूक्लियस की खोज करते हैं। सेल के अंदर क्या पाया जाता है? एक न्यूक्लियस पाया जाता है। ये देखिए, मान लीजिए हम मान के चलते हैं ये क्या है, एक सेल है। इस सेल की जो बाहर बाउंड्री वाला जो पार्ट होता है, जैसे कि हम देख अलग कलर से रिनोट कर देते हैं, ये वाला जो बाहर वाला रेड कलर वाला पार्ट है ये तो क्या है, सेल वॉल कहलाता है। और अंदर वाला जो ये पार्ट होता है, ये गोल गोल स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। बेसिक स्ट्रक्चर यही होता है सभी सेल्स का। और इसके अंदर क्या होता है, सभी सेल्स के अंदर एक लिक्विड भरा हुआ होता है। इस लिक्विड को क्या बोला जाता है, साइटोप्लाज्म। ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर वो सेल के सारे जो अदर स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि ऑर्गेनेल्स जिनको बोलते हैं, वो पाए जाते हैं। हम इसके बारे में स्टडी करेंगे आगे। देखिए, नेक्स्ट अपने पास आ रहा है जे ई पुरकिंजे 1839 में आते हैं, गेव द नेम ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। इन्होंने प्रोटोप्लाज्म को देने का काम करा। प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म एक ही चीज़ है। टू जेली लाइक फ्लूड ऑफ द सेल, सेल का जो जेली जैसा फ्लूड होता है उसको देने का काम इन्होंने करा था। टी हक्सली आ रहे हैं, ही वॉज डिस्क्राइब द प्रोटोप्लाज्म एज थी फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। इन्होंने बोला है कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो फिजिकल बेसिस होते हैं लाइफ का, किसी भी लाइफ का आधार होता है। फिर जेम्स क्लेडियन एंड थियोडोर स्क्वेन ये आ रहे हैं, स्टडी द सेल्स ऑफ द एंड टिश्यू द सेवरल प्लांट्स एंड एनिमल्स। यू नो, अलग प्लांट्स और सेल्स जो प्लांट्स थे या एनिमल्स थे उनकी सेल्स और टिश्यू को स्टडी करा। इसी के आधार पर इन्होंने क्या करी, एक सेल थ्योरी देने का काम करा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये सेल थ्योरी इन्होंने दी थी। इस सेल थ्योरी में इन्होंने तीन पॉइंट दिए हैं, देखिए हम तीनों पॉइंट को डिस्कस करते हैं। ऑल द सेल्स आर मेड अप ऑफ द सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं, सेल्स से मिलकर के बने हुए होते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं, सेल्स से मिलकर के बने हुए होते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। सेल क्या होती है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ए सेल इज आर द बेसिकली सिमिलर इन द स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन। सेल जो होती है स्ट्रक्चर में देखें तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, लगभग सिमिलर होता है। सेम नहीं होता है, नॉट सेम, ओनली सिमिलर होता है। सिमिलर वर्ड हमें ध्यान रखना पड़ेगा। सिमिलर मतलब कि जिस तरीके से हर ह्यूमन बींग एक दूसरे के सिमिलर हैं, उनके सभी के पास दो हाथ, दो पैर, दो कान, दो आँखें, इस तरीके से होते हैं, उस तरीके से जो सेल्स होता है उसका बेसिक स्ट्रक्चर सेम होता है। मतलब कि उसके बेसिक स्ट्रक्चर में क्या होगा, हमारे पास एक तो सेल वॉल होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, बीच में एक न्यूक्लियस होगा, और चारों तरफ क्या पाया जाएगा, इसमें साइटोप्लाज्म पाया जाएगा। ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है। फिर आता है रुडोल्फ वोइक्रो 1855 में आते हैं। कॉन्ट्रीब्यूटेड द सेल थ्योरी बाय सेइंग सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मतलब रुडोल्फ वोइक्रो ने क्या करा, एक स्टेटमेंट दिया कि भाई जो सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही मिल करके बनी हुई होती हैं। दिस स्टेटमेंट नाउ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सेल थ्योरी। ये अभी के जो सेल थ्योरी है उसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट है। ही पॉपुलराइज द कंसेप्ट ओमिनोस सेलुलोस ई सेलुला। ओमिनोस सेलुला ई सेलुला इन्होंने वर्ड दिया, जिसका मतलब ये होता है ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जितनी भी सेल्स होती है प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आती हैं। नेक्स्ट आते हैं मैक्स नॉल एंड ई रस्कम। इन्होंने क्या करा था, एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को डिस्कवर करा था। जिस तरीके से एक कोई एटम होता है, एटम के अंदर अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, जिस एटम का स्ट्रक्चर सबसे छोटा होता है उसको स्टडी करने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन माइक्रो एटम का ही एक पार्ट है, जिसको स्टडी करने के लिए भी क्या है, माइक्रोस्कोप की जरूरत है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है ये इलेक्ट्रॉन के स्टडी करने के काम आएगा। इम्प्रूव्ड विजन वाज इन्वेंटेड इन द 1941। इसका जो इम्प्रूव वर्जन हुआ वो 1940 से 1941 में इन्वेंट किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी 5.1। एक एक्टिविटी डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस तरीके से रॉबर्ट हुक ने अपने एक्सपेरिमेंट को किया होगा और उसको समझा होगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस एक्टिविटी को करने के लिए क्या 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 एम है हमारा, क्या मटेरियल चाहिए होंगे, क्या मेथड है, इसको डिस्कस करते हैं। एम क्या है, टू मेक ए टेम्प्रेरी स्टैंड माउंट ऑन द पील एंड ऑब्जर्व इट अंडर अ माइक्रोस्कोप। जो ओनियन होता है उसकी एक स्लाइस लेनी है और उस स्लाइन को अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करना ताकि हमें उसके अंदर जो सेल्स पाई जाती है उनका स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी मिल सके।
रिक्वायर मटेरियल क्या क्या मटेरियल की जरूरत होगी, वाटर, ऑनियन बल्ब एंड वॉच ग्लास, ग्लास स्लाइड और कवर स्लिप्स, ए पेयर ऑफ द फोर्सेप्स, ड्रॉइंग ब्रश, ड्रॉपर नीडल, ब्लेड, स्टेन, सेफ्रन, ब्लॉटिंग पेपर एंड माइक्रोस्कोप, इन सब की हमें रिक्वायरमेंट होगी। तो मेथड देखने जाते हैं हम, इसका क्या मेथड है। ए स्मॉल पीस ऑफ ऑनियन बल्ब इज टेकन टू एंड पीस ऑफ स्किन ऑफ एपिडर्मिस कॉल्ड इज पील्ड ऑफ फ्रॉम द कॉन्केव साइड ऑफ इन और इनर साइड ऑफ द बल्ब। यानी कि जो हमने उसका जो एक पार्ट लिया है स्मॉल पीस का, उसको अपन क्या करना है, उसको तोड़ करके उसका जो एपिडर्मिस वाला पार्ट होता है उसको अलग करना है। इट कैन बी डन बाय अ जर्क, मतलब इसको एक टुकड़ा झटका देकर के तोड़ करके अलग किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ ए फोर्सेप, अगर आप चाहो तो फोर्सेप की हेल्प भी ले सकते हो। नेक्स्ट, दिस पील इज इमीडिएटली पुट इन ए वॉच ग्लास हैविंग सम वाटर टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द गेटिंग रैन। इसमें आपको कुछ पानी की बूंद डालनी होगी, जैसे ही आप उसको क्या करोगे वॉच ग्लास में लोगे उसमें कुछ पानी की ड्रॉप्स डालनी पड़ेगी, जिससे क्या होगा कि ये सूख नहीं जाए। इन वाटर द मेम्ब्रेन लाइक पील डज नॉट गेट फोल्डेड ऑल्सो, इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि भाई जो मेम्ब्रेन लाइक पील है ये फोल्ड नहीं हो जाए, ठीक है ना। ये हमें डायग्राम में एक्टिविटी एक्सप्लेन कर रखी है कि भाई किस तरीके से आपको लेना है और किस तरीके से हमें ऑनियन लेने हैं, उनका एक पार्ट अलग करना है, फिर उसमें से एपिडर्मिस वाले पार्ट को सेलेक्ट करना है, उसको वॉच ग्लास में रखना है और पानी की कुछ बूंदें उसमें मिलानी है, फिर इसको हमारे माइक्रोस्कोप के अंदर हमें ऑब्जर्व करना है किस तरीके का स्ट्रक्चर हमें नज़र आता है, ये चीज़ें करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम और इसका जो स्ट्रक्चर जब हम माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। तो ऑब्जर्वेशन में हम जो इसको डिस्कस करेंगे, जैसे कि मान लीजिए ये वाले जो पार्ट्स है ये गोल गोल रेक्टेंगुलर पार्ट आपको नज़र आ रहे हैं, ये रेक्टेंगुलर पार्ट जो है वो क्या है, इस के सेल्स को रिप्रेजेंट करने का काम कर रहे हैं। और ये जो डॉट डॉट ब्लैक ब्लैक कलर के डॉट नज़र आ रहे हैं ये क्या है, न्यूक्लियस है। और जो बाउंड्री वाला पार्ट होता है वो सेल वॉल होता है, और जो इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ उसको क्या बोला जाता है, साइटोप्लाज्म। देखें, नाउ ए क्लीन ग्लास स्लाइड इज टेकन टू द पील इन द ट्रांसफॉर्म फ्रॉम द वॉच ग्लास टू द स्लाइड बाय यूजिंग ए ड्रॉइंग ब्रश। ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर केयर शुड बी टेकन अवॉइड द फोल्डिंग ऑफ द पील। अब यहाँ से क्या बता रखा है आपको, ग्लास स्लाइड इस, अब एक ग्लास स्लाइड लेते हैं मतलब वॉच ग्लास से इस हमारे एपिडर्मिस या फिर जो भी पीस है उसको ग्लास स्लाइड में लिया जाता है, तो मतलब वॉच ग्लास से ग्लास स्लाइड में क्या करना है, ट्रांसफर करना है मतलब। लेकिन बस इसका एक ही चीज़ का ध्यान रखा जाना चाहिए कि भाई ये फोल्ड नहीं हो जाए। अ ड्रॉप ऑफ द सेफ्रन, सेफ्रन क्या होता है, एक टाइप का कलर होता है जिसको इसमें डाला जाता है। दिस इज द इम्पार्टिंग कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट टू बी यूज्ड कॉल्ड स्टेनिंग। सेफ्रन इज अ रेड कलर, देयरफॉर गिव रेड कलर टू द पील, ताकि ये जो पील है हमारा उसको रेड कलर दे सके ताकि वो अलग से नजर आ सके, इस वजह से इसको मिला जाता है। एक्सेस स्टेन इज रिमूव्ड विद बाय वाइपिंग इट बाय ए क्लॉथिंग पेपर, ब्लॉटिंग पेपर। जो भी एक्स्ट्रा हमारे पास स्टेनिंग आ गई है उसको क्या करना पड़ेगा, वहाँ से हटाना पड़ेगा ताकि वो जो पार्ट है हमें केवल ओनली जो ऑनियन वाला पार्ट है उसी पर वो कलर नजर आए। द नेक्स्ट स्टेप इज नोन एज द माउंटिंग, अगले स्टेप को माउंटिंग के नाम से जाना जाता है। दिस इज ए क्लीन कवर स्लिप इज नीटली प्लेस्ड ओवर द स्टैंड पील विद द हेल्प ऑफ ए नीडल। केयर मस्ट बी टेकन ड्यूरिंग द प्रोसीजर अवॉइड एंट्री इन द ऑफ ए बबल बिटवीन द ग्लास स्लाइड एंड कवर स्लिप। ग्लास स्लाइड और कवर स्लिप को साफ में रखा जा रहा है विद द हेल्प ऑफ ए नीडल। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसमें किसी भी प्रकार की एयर एंटर नहीं हो जाए। द प्रिपेयर्ड स्लाइड इज ऑब्जर्व फर्स्ट अंडर द लो एंड हाई पावर माइक्रोस्कोप। पावर या माइक्रोस्कोप नहीं लिखा हुआ तो अपन मेंशन कर सकते हैं माइक्रोस्कोप। फिर पहले इसको लो पावर माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद में इसको हाई पावर माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया जाएगा। क्या क्या ऑब्जर्वेशन हमें देखने को मिलते हैं, क्या क्या जानकारी मिलती है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ऑब्जर्वेशन, सेल्स ऑफ द ऑनियन पील्स अपीयर एज ए रेक्टेंगुलर, जिसके सेल्स होती है वो क्या होती है, हमें रेक्टेंगुलर कंपार्टमेंट के रूप में नजर आती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, अंडर लो पावर माइक्रोस्कोप। दीज कंपार्टमेंट्स और सेल्स इज लाइव साइड बाई साइड, ये पास पास में पाई जाती हैं। When viewed under high power microscope, a distinct cell wall can also be seen. अलग अलग टाइप के cells wall भी नजर आती है अगर हम इसको high power microscope में देखते हैं। A prominent round structure called nucleus and central vacuoles are also clear. इसमें central vacuole और भी नजर आते हैं। देखिए,
A prominent round structure called nucleus and central vacuole are also clear. इसमें round structure और central vacuole पूरी तरीके से clear नजर आते हैं. The cell walls cells of the peel appear similar in structure. Structure कैसा होगा? Similar होगा, लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा है, ये same नहीं हो सकते हैं. These compartments, इन compartments, अब एक बार structure को हम देख लेते हैं किस तरीके से था. ये इसका structure हमें जब microscope से देखेंगे तो नज़र आता है. ये जो पार्ट हमें नज़र आ रहे हैं, इन पार्ट्स को सेल्स बोला जा रहा है, और ये जो गोल गोल स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है इसको न्यूक्लियस बोला जा रहा है. ये जो बाउंड्री वाला पार्ट है बाहर, ये बाउंड्री वाला, इसको हम क्या बोल रहे हैं? सेल वॉल. और जो इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है ये इस जगह पे यहाँ पे, इसको क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन. इसका हमें ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन क्या क्या ऑब्जर्व करा, क्या क्या कंक्लूजन निकला, ये चीज़ें हमने देख ली हैं. इसके बाद में हम बात करते हैं डी स्ट्रक्चर. ये जो स्ट्रक्चर होते हैं किस तरीके से होते हैं? ऑल दी स्ट्रक्चर टुगेदर फॉर्म द बल्ब ऑफ द ओनियन. ये सारे स्ट्रक्चर मिलकर क्या बनाते हैं? ओनियन बल्ब बनाने का काम करते हैं. दी रेक्टेंगुलर कंपार्टमेंट्स ऑफ द ओनियन रिप्रेजेंट द सेल्स. ये जो रेक्टेंगुलर कंपार्टमेंट थे जैसा कि मैंने आपको बताया था, वो क्या थे? एक सेल्स को रिप्रेजेंट करने का काम कर रहे थे. In other words, these cells are building units of the onion bulb. ये क्या होती हैं? Building units होती हैं किसी भी onion bulb के, मतलब उनको बनाने का काम करते हैं. Next आता है हमारे पास unicellular organism and multicellular organism. क्या होते हैं unicellular और multicellular? देखिए, पहले हम unicellular की बात करें. Unicellular uni से मिलकर बना हुआ है, और cellular मतलब cells हैं. एक टाइप की सेल से, मतलब एक ही टाइप की सेल से मिलकर के जो बने हुए होते हैं उन्हें क्या बोलाता है? यूनिसेलुलर. और जो अलग अलग टाइप के सेल से मिलकर के जो जीव बने हुए होते हैं उनको मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है. देखें, डिफाइन इन सम ऑर्गेनिज्म द होल बॉडी इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल सेल. पूरी कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसा होता है जिनमें पूरी बॉडी को एक सिंगल सेल के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है. दीज ऑर्गेनिज्म आर नोन एज द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. कॉमन एग्जाम्पल क्या है इनका? यूनिसेलुलर अमीबा, यूक्लिना, पैरामेशियम, यीस्ट, क्लेमिडोमोनस बैक्टीरिया, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं जो आप लोग नोट कर रहे हैं. द बॉडी ऑफ द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ मेनी सेल्स. जो बॉडी होती है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, उसमें बहुत सारी सेल्स पाई जाती है. फॉर बेटर एफिशिएंसी ऑफ द लाइफ प्रोसेस द सेल ऑफ द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑफन गेट डिफरेंशिएटेड टू फॉर्म डिफरेंट टिश्यू एंड ऑर्गन्स. अब जैसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुत सारी सेल्स पाई जाती हैं, तो ये अलग अलग सारी इकट्ठा होकर के क्या करती हैं? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बनाने का काम करती हैं, और सभी सेल्स का वर्किंग भी अलग अलग होता है. मोस्ट ऑफ द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्टार्ट देयर जर्नी लाइफ विद ए सिंगल सेल. जब ये अपनी मतलब लाइफ स्टार्ट करते हैं तो इनके पास एक सिंगल सेल होती है जिसको जायगोट या फिर स्पर्म स्पोर बोला जाता है. दिस इनिशियल सेल डिवाइड्स रीडिवाइड्स टू फॉर्म बॉडी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. ये वापस से डिवाइड होकर के मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट होते हैं. एंड ऑल एनिमल्स प्लांट्स एंड फंगी आर एग्जाम्पल्स ऑफ मल्टीसेलुलर. हम खुद भी क्या होते हैं? मल्टीसेलुलर का एग्जाम्पल ही है. देखिए, डिफरेंस देखने जा रहे हैं हम यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में, तो क्या क्या डिफरेंस होते हैं उनकी बात कर लेते हैं. फर्स्ट अपने पास डिफरेंस आ रहा है, ए सिंगल सेल फॉर्म्स द बॉडी ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. सिंगल सेल होती है वही पूरी बॉडी को बनाने का काम करती हैं. इसमें क्या होती हैं? अलग अलग सेल्स होती हैं जो पूरी बॉडी को बनाने का काम करते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स. ऑल द लाइफ प्रोसेस इज परफॉर्म बाय दैट सिंगल सेल ओनली. एक ही सेल होती है जिससे पूरी लाइफ प्रोसेस पूरी होती है. इट मीन्स डिवीजन ऑफ द लेबर इज नॉट एग्जिबिटेड एट सेल लेवल. मतलब कि जो लेबर का डिवीजन होता है वो इसमें नहीं पाया जाता है. थ्रू द ऑल द सेल्स परफॉर्म बेसिक बायोलॉजिकल एक्टिविटीज बट सेल्स आर स्पेशलाइज टू कैरी ऑन स्पेशलाइज फंक्शंस. यानी कि इसमें जो अलग अलग सेल्स होती हैं तो इनका फंक्शन भी क्या होता है? अलग अलग होता है. बेसिक स्ट्रक्चर तो सेम होता है लेकिन सिमिलर होता है, लेकिन जो इनकी वर्किंग होती है वो क्या होती है? अलग होती है. वैसे इनका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है. सिमिलरिटी स्ट्रक्चर में पाई जाती है लेकिन एज इट इज कॉपी नहीं होता है. थर्ड, डेथ ऑफ द सेल लीड्स टू द डेथ ऑफ ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. अगर मान लीजिए इसमें किसी ऑर्गेनिज्म में सेल की डेथ हो जाती है यूनिसेलुलर में, तो पूरी ऑर्गेनिज्म ही क्या होता है? डेड हो जाता है, मर जाता है. जबकि किसी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म अगर किसी सेल की डेथ होती है तो उसका कोई विशेष इफेक्ट उस ऑर्गेनिज्म में नहीं पड़ता है. दीज यूनिसेलुलर में बात कर रहे हैं. दीज ऑर्गेनिज्म आर ऑफन कंसिडर्ड इन द मॉर्टल
एज सिंगल सेल इंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। मतलब कि भाई इसमें क्या कर रही हैं, सेल का डिवीजन उसी सेल के थ्रू हो रहा है और जो एक ही सेल है वो क्या कर रही है, इसमें सेल को कंटिन्यू बनाए रखने का काम कर रही है, अपने जीव को कंटिन्यू बनाए रखने का काम कर रही है, कंटिन्यूटी को मेंटेन रखने का काम कर रही है। मॉर्टल भी यही होगी, सारी जो एक्टिविटी होगी वो एक ही सेल के थ्रू पूरी की जाती है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव अ फिक्स्ड एंड ऑफन प्रोलॉन्ग लाइफ स्पैन, डेथ इज द लास्ट स्टेज। अब इनमें क्या होता है, मल्टीसेलुलर में जो डेथ होती है वो लास्ट स्टेज होती है, इसके बाद में क्या होता है, ये जीव खत्म हो जाते हैं, इसलिए इनको क्या अपन क्या बोलते हैं, हेंस दे आर नॉट कॉल्ड इमॉर्टल, इनको इमॉर्टल बोलना पॉसिबल नहीं है। दीज ऑर्गेनिज्म आर ऑफन कंसिडर्ड इमॉर्टल। अब ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनको भी क्या बोला जा सकता है, इमॉर्टल, एज दीज द सिंगल सेल इंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। जो सिंगल सेल होती हैं ये क्या करती हैं, इनकी कंटिन्यूटी को मेंटेन रखने का काम करती हैं। थ्रो सेल डिवीजन बिफोर इट्स डेथ, मतलब कि जब जैसे मान लीजिए कोई सेल है, एक सेल है, उससे एक सेल का मान लीजिए क्या होगा, दो पार्टीशन होंगे सेल डिवीजन की वजह से और दो नई डॉटर सेल्स का निर्माण होगा, वो दोनों डॉटर सेल क्या होगी फिर वापस से दो से चार बनाएगी और चार से फिर इस तरीके से आठ इनका स्ट्रक्चर बनता जाता है। नेक्स्ट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इन द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ओनली सम स्पेशलाइज सेल्स आर इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। मतलब इसमें इनकी संख्या को बढ़ाना है तो केवल स्पेशल टाइप की कुछ सेल्स होती हैं वही क्या करती है, रिप्रोडक्शन का काम करती हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास ओनियन पील सेल्स। ओनियन पील सेल्स का जो हमने स्ट्रक्चर ऑब्जर्व किया था उसके कुछ ऑब्जर्वेशन और कुछ शेप साइज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ऑब्जर्वेशन कंक्लूजन, ऑल दी सेल्स थ्री मटेरियल्स लीफ टिप एंड ऑनियन पील आर मेड अप ऑफ सेल्स। ये सभी चीज़ें क्या होती है, सेल से मिलकर बनी होती है, ये चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। शेप एंड साइज, शेप एंड साइज कैसा होता है, ऑल दी सेल्स आर ऑब्जर्व इन एक्चुअली आर नॉट अलाइक इन द सेम एंड साइज। शेप और साइज भी तो कैसे होती है, सेम तो नहीं होती हैं। इन लीफ एंड पील और लीफ एपिडर्मिस, एपिडर्मिस सेल्स द गार्ड सेल्स एंड द सब्सिडरी सेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सब क्या होती है, एक दूसरे से पूरी तरीके से अलग होती है स्ट्रक्चर। द सेल्स आर द सिमिलर इन देयर बेसिक स्ट्रक्चर, जो सेल्स होती है बेसिक स्ट्रक्चर में तो सेम होती हैं, बेसिक स्ट्रक्चर में सेम होनी होती है, सिमिलर हो सकती हैं ओनली। इन अदर वर्ड्स ऑल द टाइप्स ऑफ सेल्स आर कॉमन स्ट्रक्चर फीचर, इनका जो कॉमन स्ट्रक्चर तो सब में पाया जाता है, जैसा कि इसमें सेल वॉल पाई जाती हैं, सेल वॉल के बाद में इसमें सेंटर पे एक न्यूक्लियस पाया जाता है और चारों तरफ एक लिक्विड मटेरियल पाया जाता है। डिफरेंस अमंग द सेल फॉर्म्स डिफरेंट ऑफ पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। अब जो सेल के अलग अलग पार्ट्स होते हैं उनमें क्या क्या डिफरेंस होता है, द सेल्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी आर डिफरेंट। जो सेल्स के अलग अलग पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करने का काम करते हैं और ये सारे फंक्शंस क्या अलग अलग सेल्स के पार्ट के थ्रू हो रहे हैं, सेल्स के थ्रू हो रहे हैं, इस वजह से इनकी स्पेशलाइजेशन, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो भी क्या होता है, पूरी तरीके से डिफरेंट होता है। ईच पार्ट ऑफ द प्लांट है स्पेशलाइज्ड और डिफरेंशिएटेड सेल्स टू परफॉर्म द पर्टिकुलर फंक्शन, मतलब हर पार्ट क्या होता है, पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए तैयार किया गया है। जैसे कि मान लीजिए कुछ सेल्स होते हैं जिनका वर्क रिप्रोडक्शन का होता है, कुछ सेल्स होते हैं जिनका वर्क केवल रेस्पिरेशन का होता है, कुछ का डाइजेशन का होता है। द सेल्स ऑफ द लीफ पील्स एपिडर्मिस आर फ्लैट बैरल शेप्ड, पील हैज बीन शेप्ड गार्ड सेल्स ऑल्सो, मतलब सबके पास अलग टाइप के सेल्स हैं। सिमिलरिटीज वही चीज़ें हैं इनमें, ऑल दीज सेल्स आर सराउंडेड बाय थिक रिजिड सेल वॉल, चारों तरफ एक थिक रिजिड सेल वॉल होती हैं। ऑल दीज सेल वॉल्स आर स्फेरिकल बॉडी कॉल्ड द न्यूक्लियस, इसके अंदर एक न्यूक्लियस पाया जाता है, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है ये इस ऊपर वाले डायग्राम में, देखिए ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, सेल वॉल को रिप्रेजेंट करने का काम कर रहा है और सेल वॉल के साथ में इसमें न्यूक्लियस भी रिप्रेजेंट है। देखिए इसके बाद हम बात करते हैं सेल की शेप और साइज की। सारी जो सेल्स होती है वो क्या होती है, अपना स्ट्रक्चर अलग होता है तो उनका शेप और साइज भी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो कुछ विशेष टाइप की सेल्स हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए एक्चुअली
The cell shape and size of the cells are determined by the function they perform. जो वर्क ये कर रही हैं उसी के आधार पर डिसाइड किया जाता है कि भाई कैसा वर्क किया जाए, कैसा इनका शेप होगा, साइज होगा। कुछ मेजरमेंट दे रखा है कुछ स्पेशल सेल्स का, आरबीसी, जो आरबीसी का जो होता है 7 से 8 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है, लीवर होता है उस पर 20 से 30 माइक्रोमीटर होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं वो साइज में छोटी होती है यूकैरियोटिक से। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइप के सेल्स पाई जाती हैं। द सेल्स ऑफ द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिफरेंशिएटेड टू टेक द डिफरेंट फॉर्म, अलग अलग फॉर्म, अलग अलग वर्क करने के लिए इनके पास अलग अलग पार्ट्स होते हैं। तो अब हम बात करने जा रहे हैं कि भाई सेल्स किससे मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट पार्ट आ रहा है, व्हाट इज अ सेल मेड अप ऑफ, सेल्स किससे मिलकर के बनी होती हैं। सेल्स हमारे 3 पार्ट से मिलकर के बनी होती है, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन सबसे फर्स्ट पार्ट आ गया हमारे पास, सेल मेम्ब्रेन। ऑल सेल्स रिमेन कवर बाय ए थिन, ऑल जितनी भी सेल्स होती हैं वो चारों तरफ से एक बाउंड्री से कवर की होती हैं। उस बाउंड्री को क्या बोला जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल दो, प्लाज्मा लेमा बोल दो या सेल मेम्ब्रेन बोल दो, एक ही चीज़ होती है। थिन ट्रांसपेरेंट होती हैं, इलास्टिक होती है, रीजनरेटिव होती हैं, सेलेक्टिवली प्रीमेबल होती हैं, और इनको क्या बोला जाता है, सेल मेम्ब्रेन। इसको प्लाज्मा लेमा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। इट इज़ प्रेजेंट इन बोथ द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक में भी पाई जाएगी, यूकैरियोटिक में भी पाई जाएगी। और सेपरेट कंटेंट्स को बाहर वाले कंटेंट को अंदर वाले कंटेंट से, मतलब सेल के बाहर जो मटेरियल पाया जाता है उसको अंदर वाले मटेरियल, जैसे कि ये मटेरियल बाहर पाए जाते हैं, कोई भी चीज़ बाहर है तो उसके बाहर वाले कंटेंट को अंदर वाले कंटेंट से अलग रखने का काम करती हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, मैनी सेल ऑर्गेनल्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स सच एज द मैनी ऑर्गेन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स सच एज क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपार्टस, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे ऑर्गेनल्स हैं, मतलब सेल के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गन्स हैं। लाइसोसोम्स, प्रेक्सोसोम्स आर इंक्लोज्ड बाय द यूनिट मेम्ब्रेन, मतलब ये सब क्या होते हैं, चारों तरफ से यूनिट मेम्ब्रेन से क्या होते हैं, घिरे हुए होते हैं। अब इसके बाद में देखते हैं, हम बात करते हैं कि भाई जो बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है किसी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। इसमें 3 लेयर होती हैं, बाहर वाली दोनों आउटर लेयर को तो बोला जाता है प्रोटीन लेयर, मिडल जो लेयर होती है उसका नाम होता है फॉस्फोलिपिड लेयर। केवल हमें इतनी सी चीज़ ध्यान रखनी है इसके बारे में। नेक्स्ट आया था हमारे पास फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। अब बाहर वाली जो बाउंड्री है, तो बाहर से जो बाउंड्री होती है या वॉल होती है उसका काम क्या होता है, मटेरियल्स को प्रोटेक्ट करके रखना, अंदर अंदर जो मटेरियल आने वाले हैं उनको आने से परमिशन देना या नहीं देना। प्रोटेक्टिव मैकेनिकल बैरियर, मतलब कि इट एक्ट एज ए मैकेनिकल बैरियर दैट प्रोटेक्ट द इंटरनल कंटेंट्स ऑफ द सेल, अंदर वाले जो कंटेंट होते हैं इनको बाहर वाले कंटेंट से प्रोटेक्शन देने का ये वर्क करती हैं। शेप, शेप कैसा होता है, इट प्रोवाइड्स ए डिफाइनेड शेप टू सेमी फ्लूड कंटेंट्स ऑफ द सेल, यानी कि ये जो क्या करती हैं, एक पर्टिकुलर इसका शेप होता है जो इसकी वजह से अंदर वाला जो मटेरियल होता है वो पूरी तरीके से फिक्स रहता है, सेमी सॉलिड फ्लूड जो अंदर पाया जाता है उसको मेंटेन रखने का काम करती हैं। प्रीमेबिलिटी, ड्यू टू इट्स सेलेक्टिवली प्रीमेबल नेचर इट इज़ अलाउड टू मूवमेंट ऑफ द सेलेक्टेड आयन, मतलब ये ओनली सेलेक्टेड आयन्स को ही क्या करती हैं, सेल के अंदर की तरफ जाने और बाहर आने का काम करवाती हैं। इसके बाद देखते हैं हम रिकॉग्निशन, इट हैज़ द सब्सटेंस ओवर इट्स सरफेस विच एक्ट एंड रिकॉग्निशन साइट्स, इसके सरफेस पे कुछ ऐसे सब्सटेंस पाए जाते हैं जो रिकॉग्निशन साइट्स के रूप में वर्क करते हैं। सेल कंटिन्यूटी, सेल की कंटिन्यूटी को मेंटेन रखने का काम ये करती है। एट सम प्लेसेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन एडजेसेंट सेल्स बिकम कंटिन्यूस टू फॉर्म द सेल जंक्शन, मतलब सेल के जंक्शन के रूप में सेल से आपस में जोड़ना और सेल का आपस में टूटने का जो काम होता है वो क्या होता है, पूरी ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है इसी के थ्रू पूरा हो पाता है। स्पेशलाइजेशन देखें, इट गेट्स मॉडिफाइड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस एंड एब्जॉर्ब इन माइक्रोविली, माइक्रोविली जैसे कुछ स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, माइक्रोविली उंगली जैसे कुछ स्ट्रक्चर होते हैं सो इसके चारों तरफ बाउंड्री पे पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। एंडोसाइटोसिस और एक्जोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस मटेरियल्स जो होते हैं उनको
सेल्स के अंदर पहुंचने देना और या फिर पहुंचाना, और एग्जोसाइटोसिस होता है मटेरियल्स को सेल्स के बाहर निकालना। ड्यू टू फ्लेक्सिबल नेचर प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट इनेबल्स द सेल्स टू एनगल्फ द फूड। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, फूड मटेरियल्स को अंदर प्रोवाइड कर अंदर लेने में हेल्प करती हैं। एग्जोसाइटोसिस अनडाइजेस्टेड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, वेस्ट होता है एक तरीके से, उसको बॉडी से बाहर निकालने का जो काम होता है वो किसके थ्रू होता है, एग्जोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू। कैरियर मॉलिक्यूल्स हैं, सेल मेम्ब्रेन हैव द कैरियर मॉलिक्यूल्स विच हेल्प इन द फ्लो ऑफ द मटेरियल एंड इन्फॉर्मेशन। अलग अलग मटेरियल जो होते हैं और उसमें जो इन्फॉर्मेशन होती हैं उनको कैरियर मॉलिक्यूल्स के थ्रू पहुँचाया जाता है। ये सारा काम होता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर। काइंड्स ऑफ परमेबिलिटी देखते हैं। काइंड्स ऑफ परमेबिलिटी, परमेबिलिटी अलग अलग टाइप की होती है, इसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले हम बात करते हैं इम्प्रीमेबिलिटी, इम्प्रीमेबल, सेमी प्रीमेबल, इम्प्रीमेबल, सेमी प्रीमेबल और प्रीमेबल, सेलेक्टिवली प्रीमेबल। सबसे पहले बात करते हैं इम्प्रीमेबल। इम्प्रीमेबल क्या होता है, जिसमें मेम्ब्रेन बनी हुई है, मेम्ब्रेन के ना तो बाहर से कोई अंदर मटेरियल आ सकता है और ना ही अंदर से बाहर कोई मटेरियल जा सकता है, उसको बोलते हैं इम्प्रीमेबल। इट इज़ ए मेम्ब्रेन डज नॉट अलाउ टू पास द थ्रो इट बोथ द सॉल्वेंट एंड सॉलिड। सॉल्वेंट और सॉलिड दोनों मॉलिक्यूल्स को क्या करेगी, ये अंदर या बाहर नहीं जाने देगी। एक क्यूटिकल लेयर है एग्जाम्पल इसका। इफ़ ए मेम्ब्रेन अलाउज टू पास ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, अगर ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पास हो रहा है, मतलब आधे सेमी, मतलब आधे, तो बट नॉट द सॉल्यूट पार्टिकल, सॉल्यूट पार्टिकल्स को पास नहीं होने दे रही है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, सेमी प्रीमेबल। इसका एग्जाम्पल हो गया आर्टिफिशियल सेलोफोन मेम्ब्रेन। फिर अपन बात कर लेते हैं प्रीमेबल मेम्ब्रेन, ये क्या करेगी, दोनों को अलाउ करेगी। इफ ए मेम्ब्रेन अलाउज टू पास द बोथ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स थ्रो इट, मतलब सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों को मूव कराने में हेल्प करेगी, तो ये क्या हो जाएगी, प्रीमेबल मेम्ब्रेन। एग्जाम्पल है प्राइमरी सेल वॉल। सेलेक्टिवली प्रीमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है, सेलेक्टेड, मतलब इसमें जो सॉल्वेंट है वो तो फ्री रूप से जा सकते हैं, बट रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है किसके ऊपर, ओनली सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स के ऊपर। सॉलिड मॉलिक्यूल्स या सॉलिड पार्टिकल्स जो होते हैं वो कुछ स्पेशल सॉलिड पार्टिकल्स को ही परमिशन होती है अक्रॉस, यानी सेल के अंदर और बाहर जाने की, बाकी के जो है वो नहीं जा सकते, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसका एक एग्जाम्पल है। ठीक है, ये हो गई हमारे बात काइंड्स ऑफ परमेबिलिटी की। इसके बाद में हमारे पास आता है नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो होते हैं, इनमें मटेरियल्स अंदर और बाहर तो जा रहा है, तो किस तरीके से जा रहा है, कुछ मीडियम होता हुआ ट्रांस उसकी डिस्कस करते हैं। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्ट एज ए बेरियर फॉर द फ्री मूवमेंट ऑफ द आयंस एंड मेटाबोलाइट्स अक्रॉस द सेल, बट एट द सम टाइम इट अलाउज द ट्रांसपोर्ट ऑफ सेलेक्टिव मेटाबोलिक अक्रॉस इट, दस रेगुलेट्स द फ्लो ऑफ द मटेरियल इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल मतलब कुछ टाइम क्या करती हैं, ये कुछ लिमिटेड मटेरियल्स को ही बॉडी के अंदर और बाहर जाने के लिए परमिशन देती हैं। तो वो दो टाइप के इसमें मटेरियल्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल जो है दो टाइप के ट्रांसपोर्ट से होता है, एक तो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है और एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। देखते हैं, हम सबसे पहले बात करते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट की। तो देखिए पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या चीज़ होती है, सो इट इज़ ए ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल पासेज ऑफ द सब्सटेंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन विद इन एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, मतलब विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, बिना किसी एनर्जी के एक्सपेंडिचर के जो मटेरियल का ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या होती है, हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन पैसिव ट्रांसपोर्ट की। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, दो टाइप्स का होता है। देखिए पैसिव ट्रांसपोर्ट है हमारे पास दो टाइप का, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। तो क्या होता है डिफ्यूजन और क्या होता है ऑस्मोसिस, इसकी बात कर लेते हैं। देखिए मान के चलते हैं हमारे पास क्या है, दो कंटेनर हैं, मान के चलते हैं ये दो कंटेनर हैं, और ये दोनों कंटेनर जो है इनके अंदर क्या है, एक लिक्विड भरा हुआ है। दोनों कंटेनर में क्या है, कुछ लिक्विड भरा हुआ है, लेकिन ये वाला जो कंटेनर है ये क्या है, पूरा फुल भरा हुआ है। और मान के चल लेते हैं, चलो ठीक है, कि भाई ये वाला जो कंटेनर है ये क्या है,
खाली एक तरीके से, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अब हमारा काम क्या होगा, इन दोनों कंटेनर को आपस में कनेक्ट करने का। इन दोनों कंटेनर को हमने क्या कर दिया, एक पाइप के थ्रू आपस में कनेक्ट कर दिया है। तो क्या होगा, जो मटेरियल्स हैं वो क्या होंगे, ज़्यादा जो फुल भरा हुआ टैंक है इससे खाली की तरफ क्या होगा, इनका मूवमेंट होना स्टार्ट होगा। यहाँ पे वाटर की रिक्वायरमेंट क्या है, वाटर की अवेलेबिलिटी क्या है, ज़्यादा है। इस कंटेनर में वाटर की अवेलेबिलिटी क्या है, ज़्यादा, और इस कंटेनर में वाटर की अवेलेबिलिटी क्या है, कम। जैसे हमने दोनों कनेक्ट करा तो ज़्यादा से कम की तरफ वाटर का क्या होगा, मूवमेंट होगा। चाहे वाटर हो चाहे गैस हो, इस तरीके से क्या होगा, इनका मूवमेंट होता है। इसी को क्या बोला जाता है, डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट इसी की वजह से होता है, जो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट होता है, इसी को क्या बोला जाता है, डिफ्यूजन। देखिए अब हम डिफाइन की बात कर लेते हैं। इट इज ए ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल सॉलिड गैस और लिक्विड फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर हायर कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ देयर लोअर कंसंट्रेशन सो एज टू स्प्रेड यूनिफॉर्मली इन द गिवन स्पेस। जिससे कि ये पूरे स्पेस में चारों तरफ फैल जाए, बराबर अमाउंट पहुँचाए, तब इसका जाने का जो फ्लो होता है हाइयर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, ड्यू टू डिफ्यूजन ए सब्सटेंस इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन अनदर सब्सटेंस। इस प्रोसेस को ही क्या बोला जाता है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन रिजल्ट्स टू फॉर्म द कंटिन्यूस रैंडम मूवमेंट्स ऑफ सॉलिड और गैस पार्टिकल। इसी की वजह से क्या होता है, सॉलिड और गैस पार्टिकल्स के जो मूवमेंट होता है वो एक जगह दूसरे के हो पाता है। एग्जाम्पल्स ऑफ डिफ्यूजन, इससे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एक्सचेंज ऑफ द गैसेज बिटवीन द लीफ एंड एनवायरमेंट कार्बन डाइऑक्साइड इन हाई कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल इन द प्रोसेस ऑफ द रेस्पिरेशन। मतलब जब भी रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है प्लांट्स के अंदर, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, उनके अंदर की तरफ जाती हैं, और जो उनके बॉडी के अंदर या फिर लीफ के अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो बाहर निकाली जाती हैं। तो इन द सेल्स एक्सटर्नल एनवायरमेंट द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज लो। मतलब बाहर वाले एनवायरमेंट में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। इन द एक्सटर्नल एनवायरमेंट द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज लो एज कम्पेयर टू द सेल इनसाइड द सेल। एज सून एज देयर इज अ डिफरेंस ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज एंड आउटसाइड ऑफ अ सेल, CO2 मूव्स आउट ऑफ द सेल फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन आउटसाइड द सेल एंड बाई द प्रोसेस ऑफ द डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट जो लीफ के अंदर या फिर प्लांट्स के अंदर जो होती है वो बाहर निकल जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट एग्जाम्पल। O2 enters the cells by the process of the diffusion. ऑक्सीजन जो होती है वो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू क्या होती हैं, एंटर होती हैं अपनी बॉडी के अंदर या फिर प्लांट्स के अंदर। द लेवल और कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इनसाइड द सेल डिक्रीज। जैसे जैसे ऑक्सीजन का लेवल प्लांट के अंदर या बॉडी के अपनी इनसाइड जो एनिमल्स की बॉडी होती है उसके अंदर अगर कम होता है, उससे क्या होता है कि भाई ऑक्सीजन अंदर की तरफ हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ इसका क्या होता है, मूवमेंट होता है। व्हेन बॉटल ऑफ द मॉलिक्यूल स्टार्ट डिफ्यूजिंग इन द सराउंडिंग एयर, द नेट डिफ्यूजन ऑफ ए मॉलिक्यूल्स ऑलवेज ओकर्स डाउन इट्स प्रेशर ग्रेडियंट। मतलब जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होना स्टार्ट होते हैं। मान लीजिए कि भाई जैसे कि बॉटल है, ये बॉटल है, इस बॉटल के चारों तरफ जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे कि भाई यहाँ पे बॉटल के अंदर से बाहर की तरफ जाने का काम करेंगे। इस वजह से चारों तरफ जो एनवायरनमेंट होता है वहाँ पे क्या होता है, परफ्यूम की बॉटल की वजह से क्या होती हैं, खुशबू आने लग जाती हैं। फिर बात करते हैं, ऑक्सीजन एंटर्स द अमीबा बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। अमीबा के अंदर जो ऑक्सीजन एंटर होती है वो भी डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू होती है। व्हेन द लेवल और द कंसंट्रेशन ऑफ द ऑक्सीजन इनसाइड द सेल डिक्रीजेस, जैसे ऑक्सीजन का अमाउंट अंदर कम होती है और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर ज़्यादा होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो जाती है बाहर और ऑक्सीजन आती है अंदर। सिग्निफिकेंस ऑफ द डिफ्यूजन, डिफ्यूजन का एक्चुअल में सिग्निफिकेंस क्या है, रोल क्या है। देखिए
गैसेज एक्सचेंज, गैसेज एक्सचेंज में इसका विशेष रोल होता है। देखिए गैसेज एक्सचेंज में डिफ्यूजन हेल्प्स इन द गैसेज एक्सचेंज ऑफ बिटवीन द सेल्स ऑफ देयर एनवायरनमेंट। सेल्स के उसके एनवायरनमेंट से बाहर से किस तरीके से गैसों को लेना और देना है इसका काम से इसके थ्रू होता है। ऑस्मोसिस इट इज ए टाइप ऑफ, ऑस्मोसिस क्या होता है, डिफ्यूजन का एक स्पेशल टाइप होता है जिसमें केवल लिक्विड मोलिकुल्स की बात की जाती है, ठीक है। इट इज द इंट्रासेलुलर डिस्ट्रीब्यूशन, इट हेल्प्स इन द स्प्रेड ऑफ वेरियस सब्सटेंस थ्रू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। सेल के जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर सेल्स जो मटेरियल होते हैं उन सबको स्प्रेड यानी फैलाने का काम करता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ लॉस ऑफ वाटर इन वेपर फॉर्म फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स टेक प्लेस थ्रू डिफ्यूजन, यानी कि जो वाटर वेपर्स होती हैं उनको प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स तक पहुँचाने का जो काम होता है वो डिफ्यूजन के थ्रू ही पूरा हो पाता है। इसके बाद अपन बात करें अगर ऑस्मोसिस की, तो ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोसिस एक डिफ्यूजन का एक टाइप होता है जिसमें केवल क्या होता है लिक्विड मॉलिक्यूल्स को पहुंचाने का काम किया जाता है। ऑस्मोसिस इज ए प्रोसेस बाय विच द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सॉल्वेंट पास फ्रॉम द सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पास होते हैं लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ थ्रो ए सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन। इसमें क्या होता है एक सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन होती है, मान लीजिए कि जैसे ये कंपार्टमेंट है, इन दोनों कंपार्टमेंट को अगर रखा है बीच में से अलग कर रखा है तो इस वाले कंपार्टमेंट से इस वाले कंपार्टमेंट के बीच में यहाँ से यहाँ तक का जो मूवमेंट होता है इसको अपन क्या बोलते हैं ऑस्मोसिस। लेकिन इसमें क्या होते हैं बीच में एक सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन है, मतलब ये वाली जो मेम्ब्रेन है ये एक एज ए बैरियर का काम करती हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ द ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस के क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, देखिए द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल इज ड्यू टू ऑस्मोसिस। मिट्टी से जो पानी का एब्जॉर्प्शन होता है रूट के थ्रू वो क्या होता है ऑस्मोसिस के थ्रू होता है। द गार्ड सेल्स ऑफ द प्लांट्स आर ऑल्सो अफेक्टेड बाई ऑस्मोसिस। जो गार्ड सेल्स होती हैं प्लांट की उनको भी अफेक्ट करने का काम क्या करते हैं ऑस्मोसिस करती है। वेन द प्लांट सेल्स आर फिल्ड विद वाटर द गार्ड सेल्स अप एंड स्ट्रोमेटा ओपन। जैसे क्या होता है जो गार्ड सेल्स होती है प्लांट की वो क्या करती है वाटर को एब्जॉर्ब करती है, वो फूल जाती है।